Now being completed today in only 14 months of record time. It is pertinent to mention here that the project with support of 17 dormitories in G+2 dimension with a capacity of 3600, the Yatri Niwas at Chanderkote is a state-of-the-art facility which shall provide a huge relief to the pilgrims of Shri Amarnathji Yatra in Ramban. Today, the Honorable Lieutenant Governor of J&K Shri Manoj Sinha shall dedicate the facility. उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
ये ठीक है कि प्रशासन ने इस यात्रा से जुड़े सभी कामगारों को कोविड काल में मदद की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो मदद इतनी पर्याप्त नहीं थी कि तो उनका परिवार ठीक से चल सके। इस प्राचीन आध्यात्मिक यात्रा से गहराई से ये पूरा सूबा जुड़ा हुआ है। 20 से 25 हजार घोड़े वाले पूरे यात्रा रूट पर इंतजाम में जुटे हुए स्थानीय लोग, तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराने वाले हजारों की संख्या में लोग, सभी को मिलाकर अगर आप आकलन करेंगे तो मोटे तौर पर 3 लाख लोगों का जुड़ाव इस यात्रा से है। उनकी आर्थिक प्रगति, उनकी वार्षिक कमाई का एक बड़ा जरिया ही रहा है। इस हो रही एक और बात मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यात्रा की होर्डिंग के पास लेटे किसी कामगार की फोटो डालकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की है। ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आस्था के इस पवित्र आयोजन में इस तरह की भ्रामक अफवाहें फैलाने से बचें। इसे सफल बनाना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन के लोग अस्थायी हैं, कुछ वर्षों तक यहां हैं, यहां से चले जाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के नागरिकों की है। ये आयोजन सफल हो और बिना आपके सहयोग के सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सबसे विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पवित्र धाम से जुड़े महसूस कर सकें, इसका प्रयत्न हुआ है। आप सब स्थानीय लोग हैं, चिनाब नदी के किनारे बसे इस यात्री निवास का निर्माण कार्य आसान नहीं था। ये बताया गया 14 महीने में सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को ये बधाई देना चाहता हूं, जिन कारीगरों ने काम किया है उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बड़े बड़े अवरोधक बोल्डर्स थे, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ वहां के स्थानीय प्रशासन ने और कारीगरों ने मेहनत की। एक बात मैं भूल जाऊंगा अगर आईआईटी रुड़की का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त नहीं करूंगा। एक समय ऐसा आ गया था कि लगता था कि निर्माण नहीं होगा, आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने आकर के इस कार्य में मदद की और इसके कारण ये काम पूरा हो सका है। मन में हजारों परिवारों का भी ख्याल है जिनके पूरे साल की कमाई इस यात्रा पर निर्भर है। पिछले 2 सालों में यात्रा न होने की वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ये ठीक है कि प्रशासन ने इस यात्रा से जुड़े सभी कामगारों को कोविड काल में मदद की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो मदद इतनी पर्याप्त नहीं थी कि तो उनका परिवार ठीक से चल सके। इस प्राचीन आध्यात्मिक यात्रा से गहराई से ये पूरा सूबा जुड़ा हुआ है। 20 से 25 हजार घोड़े वाले पूरे यात्रा रूट पर इंतजाम में जुटे हुए स्थानीय लोग, तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराने वाले हजारों की संख्या में लोग, सभी को मिलाकर अगर आप आकलन करेंगे तो मोटे तौर पर 3 लाख लोगों का जुड़ाव इस यात्रा से है। उनकी आर्थिक प्रगति, उनकी वार्षिक कमाई का एक बड़ा जरिया ही रहा है। हो रही एक और बात मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यात्रा की होर्डिंग के पास लेटे किसी कामगार की फोटो डालकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की है। ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आस्था के इस पवित्र आयोजन में इस तरह की भ्रामक अफवाहें फैलाने से बचें। इसे सफल बनाना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन के लोग अस्थायी हैं, कुछ वर्षों तक यहां हैं, यहां से चले जाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के नागरिकों की है। ये आयोजन सफल हो और बिना आपके सहयोग के सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सबसे विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पवित्र धाम से जुड़े कार्यों को अपना कार्य समझकर, अपने घर का कार्य समझ करके, अपना निजी कर्तव्य समझ करके इसमें आप सब सहयोग करिए। ये कहने में आपके बीच उपस्थित हूं।